व्यापार में बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर उपदेश दिया जाता है। चूंकि ऐसा बोर्ड टंगा हुआ था गिरीश के घर के सामने, इसीलिए बहु अनामिका वहाँ आती है। दरवाजा खुला था, गिरीश कहीं दिख नहीं रहा था। फिर जोर आवाज में, गिरीश बाबू, अरे ओ गिरीश बाबू, घर पे है क्या? इस तरह की आवाज सुन के गिरीश बाबू घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं और फिर अनामिका को देखकर, क्या हुआ अनामिका, यहाँ अचानक से, कुछ काम है क्या? व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप उपदेश और सुझाव देते हैं ना? वो तो बोर्ड पर लिखा हुआ है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या चाहती हो? आपको तो पता है ना, मेरा पानी पूरी का एक छोटा सा व्यापार है। वो पता है, पर पानी पूरी के व्यापार के साथ क्या समस्या है? असल में जहाँ मैं पानी पूरी का ठेला लगाती हूँ, वहाँ दो चार और ठेले लगने लगे हैं। अनामिका की बातें सुन के गिरीश को पूरी बात समझ में आ जाती है। फिर गिरीश कहने लगते हैं, अरे अरे, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं पूरी बात समझ गया हूँ। दो तीन और पानी पूरी के ठेले लगने की वजह से तुम्हारा व्यापार चल नहीं रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ भी पानी पूरी का व्यापार अच्छा चलता है, आपने ही उन लोगों से कहा है कि वहाँ जाके ठेला लगाओ, यही ना? अनामिका के इस तरह से कहने पे गिरीश घबरा जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ओहो, फिर तो मैंने ही एक को कहा था, जिस वजह से अगले का नुकसान हो गया। चलो कोई नहीं, उससे कुछ कमाई तो इधर हो रही है। इस तरह मन ही मन सोचते हैं और फिर बाहर से कहते हैं, अच्छा बहन, इसका मतलब है व्यापार ठीक से चल नहीं रहा, उसे चलाना होगा और उसे आगे बढ़ाना होगा, यही समस्या है ना? यही तो बात है गिरीश बाबू, ऐसा कुछ आप उपदेश दीजिए ताकि मेरा व्यापार अच्छे से चल सके। मैं व्यापार चलाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देता हूँ, वो मैं दूंगा, उसी काम के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ, पर पैसे लगते हैं, क्या वो तुम संभाल सकती हो ना? उनका संदेह देखकर अनामिका आश्चर्य होकर उन्हें देखने लगती है। उधर घर पे शारदा, हमें बच्चों का टिफिन लेकर उनके स्कूल में जाना था, बहू ने कहा गिरीश से मिलने जा रही है और वो चली गई, अब मैं क्या करूं? इस तरह सोची रही थी तब तक रमेश घर लौट आता है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों का लंच बॉक्स लेकर अब तक हमें बच्चों के स्कूल पहुँच जाना था, लेकिन बहू चली गई गिरीश के घर पे, और देखो अभी तक वो लौट के नहीं आई। ठीक है माँ, मुझे तुम लंच बॉक्सेस दे दो, मैं जाकर बच्चों को स्कूल में देकर आता हूँ। ठीक है बेटा। इतना कहकर शारदा लंच बॉक्सेस अपने हाथ से रमेश को दे देती है। रमेश वो लेकर घर से बाहर चला जाता है। उधर गिरीश अनामिका को देखते हुए, बोलो अनामिका, अब मैं सुझाव जो तुम्हें दूंगा वो पैसों से जुड़ा हुआ है, तुम संभाल सकती हो ना? अगर अभी आप मुझे सुझाव नहीं दिए तो फिर मैं घर पे जाके कहूंगी कि हमारी परिस्थिति के पीछे आप ही का हाथ है, फिर आप समझते रहिएगा और जो पैसे मांग रहे हैं ना वो अस्पताल में गवाइएगा। अनामिका की ऐसी बात सुन के गिरीश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो गिरीश बाबू, जितनी जल्दी हो सके सुझाव दे दीजिए, नहीं तो आगे की बात तो आपको पता ही है। अनामिका की ऐसी बातें सुन के गिरीश घबराते हुए, अरे नहीं अनामिका, नहीं, अपनी सास को मत बताना, मैं तुम्हें सुझाव जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे अस्पताल का खर्च नहीं उठाना। तो देर ना करते हुए जल्दी से सलाह दीजिए। देखो अनामिका, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी को मत बताना, मैं जैसा कहूँगा बिल्कुल वैसा ही करना, बस ध्यान रखना ये कोई देख ना ले, फिर देखना तुम्हारा पानी पूरी का व्यापार कैसे चलने लगता है। अरे गिरीश बाबू, अब बता दीजिए ना। किराना के दुकान में जाके मिर्च पाउडर ले आओ और फिर उनके पानी पूरी के पानी में जाकर मिला दो, जो भी वहाँ पे जाके पानी पूरी का पानी पियेंगे गाली देंगे और फिर तुम्हारे दुकान पे लौट आएंगे। गिरीश की ऐसी बातें सुन के अनामिका उसे आश्चर्य होकर देखने लगती है। गिरीश अनामिका को देखता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। उधर घर पे जब प्रसाद पानी पूरी के ठेले को साफ कर रहे होते हैं, तभी वहाँ शारदा आती है। अजी, पानी पूरी का व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है, बहू ऐसी साइड में रखी हुई है, आप इसे धो क्यों रहे हैं? बिना धोए हुए इसे साइड में कैसे रख सकते हैं शारदा, हमारी जरूरत ना हो तो हमें कोई अलग हटा के रखेगा क्या? इतने दिनों तक इसी ठेले ने हमारा पेट पाला है। उस बात के लिए मैं ना नहीं कह रही हूँ,
लेकिन बहू को लगता है इस पानी पूरी के व्यापार के लिए उसका दिल टूट गया है, इसीलिए पिछले एक हफ्ते से इस ठेले को नहीं ले जा रही है। आपने गौर नहीं किया? गौर किया शारदा, आज मैं बहू से बात करना चाहता हूँ। क्या बहू अभी घर पे है? जरा उसे बुलाओ तो। बहू तो अभी घर पे नहीं है, गिरीश बाबू से सलाह लेने के लिए उसके घर पे गई है। खुद को तो वो कभी सलाह दे नहीं पाया, अब वो हमें क्या सलाह देगा? हा? अब सब कुछ करके बहू कोशिश कर रही है, उसे मना क्यों करना? हा? ऐसी बात है तो मुझे भी काम करने दो, अब तुम जाओ। इतना कहकर प्रसाद ठेले के साफ सफाई में फिर से लग जाते हैं। शारदा डांट फटकार लगाती है और अंदर चली जाती है। उधर आश्चर्य होकर गिरीश देख रहे होते हैं। अब कहिए, एक ठेले पे जाके मैं मिर्च पाउडर तो पानी में मिला दूंगी, फिर दूसरे ठेले में जाके मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अच्छा लगा ना अनामिका? फिर दूसरे ठेले पे जाके तुम सारी पूड़ियों को पानी में गिरा देना। जब सारी पूड़ियाँ पानी में गिर के नरम हो जाएगी तो कोई आके उसके ठेले पे खाएगा नहीं। फिर वहाँ पे जितने लोग जाएंगे सभी लोग उस दुकान से तुम्हारे दुकान पे पानी पूरी खाने के लिए आएंगे। ये तरकीब कैसी लगी? गिरीश की इस तरह की बातें सुनके अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। फिर बिना कुछ कहे उसके वहाँ पे लगा हुआ बोर्ड को वो नीचे गिराती है और पैर से कुचलने लगती है। सभी लोग सवाल करने लगते हैं, गिरीश बस देखता रह जाता है। फिर अनामिका वहाँ से घर चली आती है। बहू, तुम्हारा काम का क्या हुआ? कैसी सलाह मिली गिरीश बाबू से? गिरीश संभाल नहीं पाएगा माँ जी, असल में तो गिरीश ही वजह हमारे नुकसान के पीछे, उसी ने ही बाकी लोगों को उपदेश दिया था। इसका मतलब उसी ने बाकियों को कहा था कि हमारे पानी पूरी के ठेले के बगल में जाके ठेला लगाने के लिए? हाँ माँ जी। तो फिर हमारे पानी पूरी के व्यापार का क्या होगा? गिरीश बाबू से अभी अभी बात करके आई हूँ ना, मेरे दिमाग में भी एक परिकल्पना आई है। वो क्या परिकल्पना है बहू? अभी समर है ना। हाँ तो? समर में क्या स्पेशल है? एक नहीं बहू, ढेर सारी चीजें हैं, पर खास करके अभी तरबूज का मौसम है। हाँ माँ जी, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं वाटरमेलन पानी पूरी बेचूं। अरे वाह रे वाह बहू, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, अब देर ना करते हुए जाके वाटरमेलन पानी पूरी बेचो। ठीक है माँ जी, तो फिर तरबूज खरीदने के लिए मुझे कुछ आप पैसे दे दीजिए। अनामिका के इस तरह से पूछने पर शारदा जल्दी से जाके पैसे लाकर अनामिका को देती है। ठीक है माँ जी, मैं जाके पानी पूरी खरीद के लाती हूँ, तब तक आप ठेले को जरा साफ सुथरा कर दीजिए। थोड़ी देर पहले ही ठेले को साफ करके रखा है। सासू माँ इस तरह कह ही रही थी तब तक वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। जरा मेरे तरफ आंखें डाल के ये बात कह दो शारदा। ये सुनकर शारदा बिना जवाब दिए हुए वहाँ से चली जाती है। तब शाम का वक्त था। हर दिन के तरह अनामिका अपना पानी पूरी का ठेला लगाती है। जहाँ पे ठेला लगता था वहाँ ठेला लगाकर अनामिका माइक लेकर कहने लगती है, मेरे प्यारे गोलगप्पा पसंद करने वाले, जो अभी तक आपने कभी भी नहीं देखा था वैसा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, एक दूसरे किस्म का पानी पूरी। स्वाद चखिए फिर पैसे दीजिए। आइए बाबू, आइए पानी पूरी खा के जाइए। इस तरह वो जोर जोर से बुलाने लगती है। जिन्हें पानी पूरी खाना बहुत पसंद था वो सभी लोग अनामिका के ठेले पे आते हैं। अब मैं आप सभी को चखाने के लिए वाटरमेलन पानी पूरी खिलाऊंगी। इस तरह ठेले पे आए सभी ग्राहकों को अनामिका वाटरमेलन पानी पूरी खिलाती है। वहाँ पे आए सभी ग्राहक वाटरमेलन पानी पूरी खाकर बड़े ही आश्चर्य हो जाते हैं। वाटरमेलन से इस तरह से पानी पूरी भी खाया जा सकता है, ये लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, इसीलिए जिन्होंने भी वाटरमेलन पानी पूरी खाया, वाह वाह, वंडरफुल, अमेजिंग, फंटास्टिक, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स सुन के अनामिका भी बहुत खुश हो जाती है। पहले दिन ही अनामिका का वाटरमेलन पानी पूरी खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर जब अंधेरा उतर आया, अनामिका की सासू माँ शारदा अनामिका के पास आती है। बहू, अब चले क्या? जाऊंगी माँ जी, एक प्लेट वाटरमेलन पानी पूरी बचा हुआ है, अगर आप खा लेती हैं तो फिर हम घर चलेंगे। इतना कहकर वाटरमेलन पानी पूरी का एक प्लेट वो शारदा को देती है। शारदा को वाटरमेलन पानी पूरी बहुत पसंद आता है। बहू, तुम्हारा वाटरमेलन पानी पूरी का तरकीब बड़ा ही अच्छा था, इसे खा कर तो मुझे भी बड़ा आनंद आया। शारदा जब इस तरह से कहती है, बहू अनामिका को भी उनकी बातें बड़ा ही अच्छा लगता है।
तब से गरीब बहू रानी अनामिका वाटरमेलन पानी पूरी बनाकर बेचने लगती है। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगता है। अब तक जो भी घाटा हुआ था सब पैसे वसूल हो जाते हैं और पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। हॉस्पिटल के बेड में निर्मला नाम की एक बुजुर्ग महिला, जिसके सर पे बैंडेज बांधा हुआ था और उसके बगल में एक स्टूल पे बैठी हुई थी एक नर्स। अरे बुजुर्ग महिला, 10 दिन हो गया आप अस्पताल आई हैं। 2-4 दिन में आप मरने वाली हो। आपको देखने के लिए 25 साल का शुभू नाम का एक लड़का आया था। उसके अलावा कोई नहीं है क्या? शुभू मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार भी नहीं। तनख्वाह लेके मेरे यहाँ काम करता है, वो मेरा देखभाल कर रहा है, उसके बदले में उसे तनख्वाह मिलती है। आपका पति, बेटा, बहू कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। शादी के 5 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट में जान चली गई। तब से मैं कचोरी का ठेला चलाकर गुजारा कर रही हूँ। अरे ऐसा क्या? फिर ये शुभू? मैं जब एक भरोसेमंद नौकर ढूंढ रही थी तब वो आया था। कहा था उसकी पत्नी और बेटा है, अपने बेटे को वो अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहता है। तब मैं उसे काम दी थी, तब से आज तक वो मेरे पास ही काम कर रहा है। लेकिन आपकी कोई बहन की बेटी या बेटा नहीं है क्या? बहन की बेटी अनामिका है, मंदारपल्ली गांव में रहती है। एक बार हो सके तो उसे फोन करो, मैं बात करूंगी। ठीक है बुढ़ी अम्मा, ये शायद आपकी आखिरी ख्वाहिश है, मैं जरूर अनामिका को फोन करूंगी। ये सुनकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है। उधर सोफे पे शारदा बैठी हुई थी, सामने चारपाई पे एक झंडूबाम रखा हुआ था, वो देखने लगती है। तब तक उनके पति प्रसाद वहाँ आ जाते हैं। वो झंडूबाम को देखकर कहने लगते हैं, अरे शारदा, इस घर की मालकिन होने के साथ साथ तुम तो झंडूबाम का भी व्यापार कर सकती हो। तुम्हारा साइड इनकम होगा तो अच्छा होगा ना? मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहू एक नंबर की बेकार की है, इसीलिए हमेशा झंडूबाम लगाना पड़ता है मुझे सर पे। अरे ये क्यों नहीं कह रही हो कि जुखाम की वजह से सर दर्द है तो झंडूबाम लगा रही हो? बिना डांट के मैं उसकी पूजा करूँ क्या? अपर्णा की बहू को देखो, घर का काम काज, खाना पकाना, ऊपर से फूल बेच के वो पैसे भी कमा लेती है। वो कहावत है ना, रंग बदल के सियार भी शेर बन जाता है। अपर्णा की बहू फूल बेच रही है ये देख कर तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारी बहू को भी फूल बेच के पैसे कमाना चाहिए। ठीक है, फूलों का व्यापार नहीं, आप ही बताइए कौन सा व्यापार करना चाहिए। फिर वो मेरी बात तो सुनेगी नहीं, देखते हैं कम से कम आपकी बात ही वो सुन ले। अरे शारदा, तुम्हारी बहू घर का काम, खाना पकाना, बच्चों को देखना, ये सब करते करते उसका समय निकल जाता है, फिर वो व्यापार कब करेगी तुम ही बताओ। उसे करना ही होगा, घर पे रहूंगी कहने से मैं नहीं मानने वाली हूँ। अपर्णा की बहू से उसे ज्यादा फेमस होना होगा। तो तुम मारपीट करोगी क्या? इतना गुस्सा आ रहा है उसी वजह से तो सर दर्द हो रहा है। अब मारपीट करके ही पूछना होगा कि बहू व्यापार करेगी या नहीं। मैं बहू को समझा के कहूँगा, तब तक तुम अपना दिमाग ठंडा करो और शांत हो जाओ। फिर कभी नहीं, अभी तुम मेरे सामने समझाओ, नहीं तो मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। इस तरह शारदा जिद करने लगती है। कई दफे प्रसाद के समझाने के बावजूद वो समझती नहीं। आखिरकार कोई चारा ना होने की वजह से प्रसाद अनामिका को बुलाते हैं। बेटा अनामिका, इधर आना जरा। बाप रे, और कितना प्यार से बुलाओगे अपनी बहू को? अरे शारदा, झंडूबाम के चक्कर में अपनी बहू के बारे में तो हम भूल ही गए। मुझे अच्छे से पता है बहू का टॉपिक आप चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। इस तरह कही रही थी तब तक बहू रानी किचन से बेलन लेकर वहाँ पे आ पहुँचती है। क्या हुआ पिताजी, बुलाया आपने? रोटी बना रही थी बहू। हाँ पिताजी। रोटी के साथ आलू का भुजिया भी बनाना, खाने में अच्छा लगता है। जरूर पिताजी, पर देखना होगा कि घर में आलू है या नहीं। हाँ हाँ, एक बार देख के रखो कि घर में आलू है या नहीं, नहीं है तो जाके किराना के दुकान से ले आओ, ठीक है ना? ठीक है पिताजी, आप जो काम कहे वो काम मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? अनामिका और प्रसाद इस तरह से बातें कर रहे हैं,
ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर अपना दांत कटमटाने लगती है। ये देखकर प्रसाद समझ जाते हैं। अरे बहू, तुम क्या भूल गई हो क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी सासू माँ का भी दिल रखना। नहीं पिताजी, मैं तो अपनी सासू माँ के पसंदीदा सब कुछ बनाती हूँ। इस तरह की बातें हो ही रही थी तभी सुभाष घर के सामने आते हैं। अनामिका मैडम, अनामिका मैडम, इस तरह से वो जोर से चिल्लाता है। आवाज सुन के अनामिका बाहर निकल आती है। शारदा प्रसाद भी निकल आते हैं। देखते हैं कि सुभाष खड़े हैं। सुभाष, आप बड़ी माँ कैसी है? बड़ी माँ को एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, वो आपसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आया। ये सुनते ही अनामिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो शारदा को देखती है। जाओ अनामिका, जाके मिल के आओ। माँ जी, बच्चों को आप स्कूल से ले आइएगा। ठीक है बहू, बड़ी माँ से जाके मिल के आओ, शारदा कहती है। अनामिका फिर कुछ जवाब ना देते हुए सुभाष के साथ वहाँ से अपनी बड़ी माँ को देखने के लिए अस्पताल के लिए निकल जाती है। उधर अस्पताल के बिस्तर पे निर्मला बैठी हुई होती है। बिस्तर के पास जाके अनामिका खड़ी होती है और रोते रोते कहती है, ये क्या बड़ी माँ, मेरे माँ पिताजी नहीं है, मुझे लगा था आप है। मन में हमेशा हिम्मत होती थी, आपके बिना तो मैं बिल्कुल अपनी दुनिया सोच नहीं सकती। मत रो बेटा, जिंदगी ईश्वर की देन है, सब उनके हाथ में ही है, ये सब लेकर दुखी क्यों होना। अच्छा, तुम्हारी सास क्या व्यापार के लिए अभी भी तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ बड़ी माँ, मैं 2-4 दिन पहले सोच रही थी आपके पास आके कचौड़ी बनाते हैं कैसे वो सीख लूंगी, लेकिन इस बीच ये सब हो गया। दुखी मत हो, मेरे पास अभी और 2 दिन वक्त है, तुम मुझे अपने घर ले चलो। 2 दिनों में मैं तुम्हें बताऊंगी कचौड़ी कैसे बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। ठीक है बड़ी माँ। इस तरह कहकर सुभाष को साथ लेके वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से बात करके निर्मला को ऑटो में बैठाकर अपने घर ले जाती है अनामिका। वहाँ वो बिस्तर पे बैठती है। बड़ी माँ, मैं घर जाके सासू माँ को बताकर फिर आती हूँ। ठीक है बेटा, लौट के जरूर आना, मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। इस तरह कहने पर अनामिका दुखी होके वहाँ से चली जाती है। शारदा घर के बाहर चेयर लगाकर बैठी होती है। वहाँ बच्चे हरीश और भव्या खेल रहे होते हैं। अनामिका शारदा के पास जाती है। माँ जी, मेरी बड़ी माँ 2 दिन से ज्यादा नहीं जिंदा रहने वाली, मैं उनके पास रहकर कचौड़ी का व्यापार कैसे करते हैं वो सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। अगर ऐसी बात है बहू, तो जाके सब कुछ अच्छे से सीख कर आओ, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। तुम्हें अपर्णा की बहू से ज्यादा फेमस होना है, यही इच्छा है मेरी। इस तरह कहने पर अनामिका बच्चों के पास आती है, उन्हें प्यार से चूमती है और फिर अपनी बड़ी माँ के पास चली जाती है। उधर बिस्तर पे लेटी निर्मला को सुभाष दवाइयाँ दे रहे होते हैं। मरने से पहले भी क्या दवाइयाँ लेनी जरूरी है? हाँ मार्गिन, 2 दिनों तक ठीक रहने के लिए दवाइयाँ लेनी जरूरी है। सुबह ये सब कह रहा था तभी वहाँ पे अनामिका आ जाती है। 2 दिनों तक अनामिका निर्मला के पास रहती है। जैसा जैसा उसने कहा अनामिका वैसे ही कचौड़ी बनाना सीखी। सीखना खत्म होने के साथ साथ निर्मला का देहांत हो जाता है। अनामिका सब क्रियाकर्म करती है और निर्मला के घर लौट के आती है। सुबु, ये घर तुम ले लो, कचौड़ी का ठेला मैं लेके जाती हूँ। ठीक है दीदी। उसके बाद ठेला लेकर अनामिका अपने ससुराल में लौट कर आती है। वहाँ जो कुछ हुआ वो बताती है। ये सुनकर प्रसाद, रमेश, शारदा सभी दुखी हो जाते हैं। माँ जी, कल से मैं कचौड़ी का व्यापार शुरू करूंगी। ठीक है बहू, बच्चों के बारे में तुम मत सोचो, मैं संभाल लूंगी। इस तरह उन्होंने कहा। अगले दिन से ही अनामिका कचौड़ी का ठेला वहीं लगाती है जहाँ उसकी बड़ी माँ लगाया करती थी। आप सभी को नमस्कार, आपका पसंदीदा कचौड़ी फिर से लौट आया है। आइए बाबू, आइए स्वादिष्ट पसंदीदा कचौड़ियाँ खा के जाइए। इस तरह सुनकर कई लोग अनामिका के ठेले में आकर कचौड़ियाँ खाने लगते हैं। सभी लोग बड़ी माँ के बारे में पूछते हैं। अनामिका बताती है कि उनकी बड़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन ही बड़ी माँ की तस्वीर लगाकर उस पे फूल चढ़ाती है। कमला, जो अक्सर ठेले पे आके कचौड़ियाँ खाती थी, वो तस्वीर को देखते हुए,
बहुत अच्छी दिल की इंसान थी। उन्होंने मुझे बहुत मदद की है, वो उधार मैं कभी नहीं चुका सकती। इस तरह कहकर वो आंसू बहाते हुए कचौड़ी लेके चली जाती है। दिन ब दिन धीरे धीरे अनामिका का कचौड़ी बहुत फेमस हो जाता है। इसी के साथ लोग उसका नाम भी जानने लगते हैं। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर अपर्णा के घर पे जाके अपनी बहू की तारीफ करके आती है। इस तरह शारदा के मन में जो ख्वाहिश थी कि उसकी बहू अनामिका व्यापार करे और व्यापार करके वो सबके सामने फेमस हो जाए, ये उसकी इच्छा पूरी हो गई। फेमस होने के साथ साथ अनामिका व्यापार से बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है और पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है।